रीना कपड़े समेट दियो तो आके मेरी काम में मदद कर दे। हाँ आती हूँ। भाभी को भी चैन नहीं, दो मिनट शांति से बैठने में। यहाँ मैंने बर्तन कर दिए, तू आके इन्हें जमा दे। अब धीरे धीरे सारा काम मुझसे करवाएगी, इससे अच्छा तो मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। हाँ पापा, आप कैसे हो? अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। अरे रीना, तू ये क्या कर रही है? पैक कर रही हूँ। पर क्यों? मुझे मेरे मायके जाना है। तो अभी कुछ दिन पहले ही तो गई थी, मुझे तो काफी टाइम हो गया है। अभी मेरे पापा का फोन आया था, मुझे जरूरी काम से मायके जाना है। आप हर बार ऐसे ही करते हो, मुझे जाने ही नहीं देते। तू हर बार बोलती है कि पहले मुझे जाने दो, फिर आप चले जाना। फिर आप नहीं जाते तो मैं क्या करूँ? मैं तो जाना ही चाहती हूँ, पर तू मेरी बारी आने दे तब ना। मैंने कब आपको जाने से रोका है? हाँ, जैसे ही मैं जाने के लिए बोलती हूँ तभी तुझे जाना होता है। आपको किसने ना बोला है? आप भी जाओ। पर तू मेरे साथ ही जाने का नाम क्यों लेती है? मैं तो छोटी हूँ, मैं तो जाऊंगी। हाँ मैं समझती हूँ कि तू छोटी है तो तुझे जाना ही चाहिए, लेकिन तू हर हफ्ते तो जाती है। क्या तुझे नहीं लगता कि मैं काफी टाइम से नहीं गई हूँ, तो मुझे भी मेरे मायके जाना चाहिए? ठीक है फिर आप भी जाओ, मैं भी चली जाती हूँ। क्या तूने कभी सोचा है हम दोनों के जाने के बाद घर के इतने सारे काम कौन संभालेगा? देख, हम दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी तू मायके चली जाए तो मैं सब संभाल लूँ, कभी मैं मायके चली जाऊँ तो तू सब संभाल ले। ऐसे ही तो हमारा घर संसार अच्छे से चलेगा। अगर हम दोनों ही बच्चों की तरह लड़ने लग गए तो बाहर वाले ये देख के मजे लेंगे। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है, मैं ही समझ नहीं पाई। इस घर की जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही मेरी भी है। अब से मैं भी अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। और हाँ, आप भी मायके जा सकती है, मैं अच्छे से घर संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, चल अपन किचन में खाना बनाने के लिए चलते हैं। हाँ भाभी, मैं आती हूँ।